बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम गिरधर था। वह अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक ही गाय थी। वह बहुत प्यारी थी, मगर वह बहुत कम दूध दिया करती थी। वह जितना भी दूध देती थी, गिरधर उसे शहर में जाकर बेचाया करता था। लेकिन दूध कम होने की वजह से उसकी आमदनी भी बहुत कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे दिन रात ताने मारा करती थी। अजी सुनो, इतने थोड़े से पैसों का मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आपने पड़ोस के मोहन की बीवी को देखा? वह कल ही नई साड़ी खरीद के लाई है। उसका पति तो उसे हर हफ्ते मेला दिखाने के लिए लेकर जाता है और नए कपड़े भी दिलवाता है। आप तो ऐसा कुछ नहीं करते। देखो भगवान, मैं जितने पैसे कमाता हूं सारे तुम्हें लाके दे देता हूं। अब मैं और पैसे कहां से लाऊं? जितने पैसे तुम कमा के लाते हो ना, उसमें से आधे से ज्यादा पैसों का चारा तो तुम्हारी ये गाय ही खा जाती है और बदले में इतना कम दूध देती है। इस गाय से हमें कोई फायदा नहीं है। इसे तो तुम किसी जंगल में ही छोड़ाओ और एक नई गाय खरीद लो। देखो भगवान, मेरे पास नई गाय खरीदने के पैसे नहीं हैं। हम जितना भी कमाते हैं उसमें दो वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अजी आपको नहीं चाहिए तो ना सही, लेकिन मुझे तो नए कपड़े खरीदने हैं और नए गहने भी लेने हैं। देखो भगवान, मुझे और परेशान मत करो, रात बहुत हो गई है और मुझे सोने जाना है। इतना बोलकर गिरधर वहां से चला जाता है। पत्नी सोचते हुए, कोई तो उपाय होगा जिससे हम ज्यादा मुनाफा कमा सकें। हमारे पास नई गाय खरीदने के पैसे तो है नहीं। मुझे इसी गाय से ज्यादा मुनाफा कमाने की तरकीब खोजनी होगी। अगले दिन सुबह होने पर गिरधर रोज की तरह गाय का दूध निकालकर शहर में बेचने चला जाता है। उसकी पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाती है। अरे बेटा मुन्नू, कहाँ है? जरा मेरी बात सुन। जी माँ। जरा बाहर जाकर देख, तेरे पिताजी शहर में दूध बेचने के लिए चले गए क्या? मुन्नू बाहर जाकर देखता है। जी माँ, बाहर कोई नहीं है, पिताजी चले गए। यही सही मौका है। उसकी लालची पत्नी गाय के पास जाती है और बोलती है, क्यों री राम प्यारी, तू दिन रात चारा खाती रहती है लेकिन ज्यादा दूध क्यों नहीं देती? फिर उसकी पत्नी को ध्यान आता है कि उसके पड़ोस में रहने वाले कालिया के पास भी एक ही गाय है, लेकिन उसकी बीवी तो बहुत खुश रहती है। वह कैसे? वह सोच में पड़ जाती है। यही बात पता करने के लिए वह कालिया के घर जाती है। अरे भाई कालिया, जरा बात तो सुनो। अरे बहन सुषमा, कैसी हो तुम और गिरधर के क्या हाल हैं? अरे हाल चाल तो मत ही पूछो, बहुत बुरे हाल हैं। हमारी गाय तो ज्यादा दूध ही नहीं देती। इतने कम दूध में कोई मुनाफा नहीं हो रहा। तुम्हारे पास भी तो एक ही गाय है, किंतु तुम्हारी गाय तो बहुत सारा दूध देती है, वह कैसे? बहन एक राज की बात बताऊं, किसी से कहना नहीं। मैं शहर से एक इंजेक्शन लाया हूं, जिसे अगर गाय को लगा दो तो वह 4 गुना ज्यादा दूध देती है। अरे दैया, ऐसा भी कोई इंजेक्शन होता है क्या? हाँ बहन, मैं तो अपनी गाय को वही इंजेक्शन देता हूँ, तभी तो मेरी गाय ज्यादा दूध देती है। अरे भैया, मुझे भी ऐसा इंजेक्शन दे दो ताकि मैं भी कुछ मुनाफा कमा सकूं। जरूर, क्यों नहीं, ये लो, लेकिन ध्यान रखना गिरधर को पता ना चले। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी और मेरी श्यामत आ जाएगी। हाँ हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उसकी पत्नी कालिया से इंजेक्शन लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर पहुंचते ही चुपके से अपनी गाय को इंजेक्शन लगा देती है। फिर अगले दिन रोज की तरह गिरधर अपनी गाय का दूध निकालता है। अरे ये क्या, आज तो पूरी बाल्टी भर गई फिर भी दूध बंद ही नहीं हो रहा। लगता है भगवान ने मेरी लालची पत्नी की बात सुन ली, शायद अब हमारे अच्छे दिन आ जाएं। अब शहर चलता हूं और जो भी मुनाफा होगा उससे अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूंगा। शाम होने पर गिरधर अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े लेता है। उसकी बीवी नए कपड़े पाकर खुश हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गिरधर की लालची पत्नी रोज अपनी गाय को इंजेक्शन लगा देती और गाय ज्यादा दूध देने लगती और गिरधर शहर जाकर दूध बेचता
और जो भी मुनाफा होता वह सारा का सारा अपनी बीवी को दे देता। फिर एक दिन गिरधर की पत्नी रोज की तरह गाय को इंजेक्शन लगाने जाती है। गाय भी समझ चुकी थी कि ये लालची औरत उसे इंजेक्शन लगाने आ रही है। जैसे ही सुषमा उसे इंजेक्शन लगाती है, गाय छटपटाने लगती है। सुषमा, अरे आज क्या हो गया तुझे, इतना क्यों छटपटा रही है, एक जगह ठहर तो सही, रुक जा, इंजेक्शन तो लगाने दे। लेकिन गाय बहुत ज्यादा छटपटाती है और उसे इंजेक्शन नहीं लगाने देती। अरे बेटा मुन्नू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ। मुन्नू बेटा, हमारी गाय की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए मुझे इसे इंजेक्शन देना होगा। जरा तू इसे पकड़ के रख ताकि मैं इसे इंजेक्शन लगा सकूं। जी माँ, मैं अभी पकड़ता हूँ। फिर जैसे ही सुषमा उसे इंजेक्शन लगाने लगती थी, गाय फिर से छटपटाती है और इंजेक्शन गलती से मुन्नू के हाथ में लग जाता है। मुन्नू जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया, हाय हाय, अरे ये क्या किया माँ, ये इंजेक्शन तो मुझे लग गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, अब क्या होगा। फिर रात होने पर मुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा मुन्नू, सुबह तक तो तुम ठीक थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया। पिताजी पिताजी, सुबह गाय की तबीयत खराब होने की वजह से माँ गाय को इंजेक्शन लगा रही थी और गलती से वह इंजेक्शन मुझे लग गया। लेकिन सुबह तो गाय की तबीयत ठीक थी। पत्नी डरते हुए, नहीं नहीं, आपके जाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने पड़ोस के कालिया से एक इंजेक्शन लेकर उसे लगाना चाहा था, तभी गलती से वह इंजेक्शन मुन्नू को लग गया। गिरधर समझ जाता है कि वह इंजेक्शन किस लिए था। गिरधर गुस्से में, मैं जानता हूं भगवान, तुम कालिया से वह इंजेक्शन क्यों लेकर आई थी। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दो, ये सब तो मैंने अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया था, मुझे क्या पता था कि वह इंजेक्शन एक दिन मेरे बेटे को ही लग जाएगा। गिरधर, भगवान, आज उस इंजेक्शन की वजह से जब तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई तभी तुम्हें एहसास हुआ ना, ये सोचो कि जब तुम रोज गाय को इंजेक्शन लगाती होगी तो उस पर क्या बीतती होगी, उसे कितना दर्द महसूस होता होगा। गाय तो बेजुबान है, इसलिए अपना हाल बता भी नहीं सकती, और हम लालची इंसान थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन बेजुबान जानवरों का फायदा उठाते हैं। अपने पति की बात सुनकर वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपने किए हुए की माफी मांगती है। फिर वह गाय के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है, और गाय भी उसे मुस्कुराकर माफ कर देती है। फिर वह उसी दिन से अपनी गाय की बहुत सेवा करती है और उसी गाय का दूध पी पी कर उसका बेटा भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और वह सब कम मुनाफे में भी खुश रहने लगते हैं। मोरल, अगर इंसान ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बेजुबान जानवरों का फायदा उठाते हैं और बेचारे जानवर बेजुबान होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाते और हम इंसानों का जुल्म चुपचाप सहते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सड़क पर गाय लावारिस हालत में घूमती रहती है और पॉलिथीन खाने की वजह से दम भी तोड़ देती है। हमें पॉलिथीन का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए और अगर आपको कोई गाय पॉलिथीन खाते हुए दिखाई दे तो उसे रोकना चाहिए, क्या पता आपके इस कदम से किसी बेजुबान की जान बच जाए। अक्सर चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही तो हैं जो हमें और अधिक मजबूत करते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं कुछ भी कर पाने के और कुछ भी कर गुजरने के। इसलिए जिंदगी में कभी भी कोई चुनौती आई तो उसे घबराइए मत, बल्कि हंसकर उसका सामना कीजिए। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ह्यूमैनिटी शुड बी आर रेस, लव शुड बी आर रिलीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।